एवोकाडो बन के रेडी है रीपैकेजिंग होके, तो इसी तरह से इसे बनाया जाता है। इंडिया के FDA यानी कि फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे बैन कर रखा है, इसे ना यूज करें अपने और अपने बच्चों की हेल्थ के साथ, ना ही खिलवाड़ करें। तो आज हम आपको बताएंगे कि एवोकाडो नाइट क्रीम कैसे बनाई जाती है। तो यही है वो भूरी नाइट क्रीम जिससे एवोकाडो हार्ड पेस्ट बनाई जाती है। इसकी सारी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हो। पहले मैं आपको ये पूरा पैक दिखा दूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान और दुबई में बनती है, मेड इन पाकिस्तान, दुबई से भी आती है। तो ये है सारे उसके इंग्रेडिएंट। इसमें नहीं लिखा कि मरक्यूरी है इसमें, लेकिन इसमें मरक्यूरी है। आप गूगल में भी देख सकते हो, मैंने वहाँ पे लिंक भी दे दिया है, पूरी इसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी विथ प्रूफ। तो आइए इसे ओपन करते हैं। कुछ इस तरीके का इसका पैक है। एक पैक में 5 और 6 कुछ ऐसे पीसीज आते हैं, कुछ इस तरह के। ये सारी गोरी नाइट क्रीम इसे ओपन कर लेते हैं। इसका पैकेजिंग कुछ ऐसा रहेगा। ये ओरिजिनल वाली है। इंडिया में दो तरह की मिलती है, एक इंडिया में बनी हुई और एक पाकिस्तान में बनी हुई। तो ये पाकिस्तान वाली है जो फुल ऑन मर्क्यूरी वाली है, जिसे हम ओरिजिनल एवोकाडो बोलते हैं। ओरिजिनल तो ऐसे बोलते हैं जैसे कि कहाँ से नेचुरली बन के आई हो। से ओपन कर लेते हैं हम। मैं पहले आपको ये क्रीम दिखा देती हूँ। हाँ जी, तो यही है ना आपकी एवोकाडो हार्ड बेस जो आजकल मार्केट में बहुत बिक रही है, लोगों की स्किन के साथ खिलवाड़ कर रही है। कुछ इस तरह का टेक्सचर है। इस तरह से अप्लाई की जाती है, या आप जब मार्केट में से लाओगे ना ओरिजिनल, फिर उसको स्मेल करोगे तो पता चल जाएगा कि गोरी नाइट क्रीम और एवोकाडो हार्ड बेस दोनों एक ही चीज है। देख रहे हो डिफरेंस कितना जल्दी रिजल्ट देती है, और आपके किडनी लंग्स को खराब करने की काबिलियत भी रखती है। पैकेजिंग कुछ इस तरह का रहता है, पीछे का ये। तो आइए कैसे बनाते हैं ये लोग वो दिखा देते हैं। सबसे पहले एक बाउल ले लीजिए, उसमें ये सारी क्रीम को डाल देना है कुछ इस तरह से। ये बेसिकली ना आप बल्क में लोगे तो वो दुबई वाले लोग सस्ते मतलब उचित कम प्राइस में दे देंगे आपको। इसी तरह से सारी डिब्बियों में से ही निकाल देंगे हम। दुबई से अगर बल्क में लेते हो तो 85 का वो गिरता है। दूसरी वाली को भी निकाल देंगे। ये बेसिकली दुबई से कार्गो में मंगवाई जाती है बाय ट्रांसपोर्टेशन वगैरह से। वहाँ से लेते हो तो 85 का हमने रेट उनसे पूछा था, तो 85 का बोले थे ट्रांसपोर्टेशन के साथ। और यहाँ आते आते ये 150 तक सेल होती है। इसे यूज़ करने से ही आपको लंग्स कैंसर भी हो सकता है या फिर स्किन कैंसर भी हो सकता है। अगर आपको हम पे भरोसा नहीं है तो आप गूगल कर सकते हो व्हाट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ गोरी नाइट क्रीम, पूरा वहाँ पे रिव्यू है गूगल का, रिसर्च है वहाँ पे गोरी नाइट क्रीम के ऊपर। तो आप, मैं तो बोलती हूँ आप अगर इसे यूज़ करते हो तो आज ही स्टॉप कर दीजिए, और कोई सेल करता है तो आप उसे बताइए कि इसे सेल ना करें, क्योंकि ये पूरा का पूरा इनलीगल है। तो मत यूज़ कीजिए, थोड़ा सा गोरा होने के लिए क्यों ही अपनी स्किन के लिए रिस्क लेना, क्यों कैंसर को न्योता देना, क्यों अपने फैमिलीज के साथ खिलवाड़ करना जस्ट बिकॉज ऑफ
आप ब्लैक हो, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्लैक हो वाइट हो क्या ही फर्क पड़ता है। तो जस्ट जाने दीजिए ये सारी क्रीम्स को, नेचुरल चीज़ें यूज़ कीजिए। मार्केट में बहुत सारी नेचुरल क्रीम्स मिलती है तो वो यूज़ कीजिए ना, क्यों इसके चक्कर में पड़ना। तो मैं तो बोलती हूँ आज ही स्टॉप कर दीजिए इसे बेचना या फिर यूज़ करना। अगर आपके बच्चों के बच्चे भी स्मेल करेंगे ना तो उनको भी कैंसर हो सकता है। मुझे तो ये आपको दिखाते हुए भी डर लग रहा है, बट क्या करें, सच तो बताना पड़ेगा ना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कस्टमर हैं जो गांव से हैं, जिनको पता ही नहीं होता है कि ये क्या क्रीम है। इसे बोला जाता है कि ये नेचुरल क्रीम है, अरे भाई कहाँ से नेचुरल है, इसके इंग्रेडिएंट इंग्रेडिएंट भी नेचुरल नहीं है। तो आप कैसे बोल सकते हो ये नेचुरल क्रीम है, इसके ऊपर इतने सारे केमिकल्स है, इवन एक्चुअली हिडन इंग्रेडिएंट्स भी है, तो आप कैसे बोल सकते हो ये नेचुरल है। तो चलिए फटाफट इसे बनाते हैं, एवोकाडो में कन्वर्ट करते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे हमने पानी को गर्म करने के लिए रख दिया है, जैसे ही पानी थोड़ा गर्म होगा इसको हम इसके ऊपर रख देंगे ताकि ये डबल बॉयलर हो जाए। एवोकाडो को इसी तरह की बॉटल में सेल किया जाता है, कुछ इस तरह के उसका पैकेजिंग रहता है, तो इसी में हम आपको फिलअप करके दिखाएंगे ताकि आप समझ सको कि ये वही है। इस तरह की पैकिंग, 12 से 15 ग्राम क्रीम रहती है उसमें, तो इसी में हम इसे फिलअप करेंगे। तो पानी गर्म हो चुका है, इसके ऊपर हम इसे रख देंगे और इसे थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। देखिए ये मेल्ट होने लगी है। हम ये वीडियो कट नहीं करेंगे ताकि आप भी देख सको कि ये वो ही चीज है। जैसे जैसे पानी नीचे का गर्म होगा ये क्रीम पिघलती जाएगी। ये क्रीम ना बहुत ही जल्द रिजल्ट देती है, इसीलिए सब इसे बहुत पसंद कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं सोचते कि इसमें ऐसा तो क्या है कि ये इतना अच्छा रिजल्ट देती है। वो भी तो सोचिए आप, ये जस्ट बिकॉज ऑफ मर्क्यूरी ये अच्छा रिजल्ट देती है, मर्क्यूरी की वजह से ही। देखिए ये पिघलने लगी है। क्वांटिटी में ये लोग लेते हैं ना तो इनको कॉस्टिंग में बहुत ही लो हो जाता है। जब आप मार्केट से लोगे ना तो ये महंगी आएगी, क्योंकि आप सिंगल पीस लोगे या फिर दो तीन पीस लोगे, बट ये जो सेलर्स है वो सारे के सारे बल्क में लेने वाले हैं, इसीलिए इनको ये कॉस्टिंग में बहुत ही लो जाती है। देखिए ये मेल्ट हो चुकी है, अब इसे हम डिब्बी में फिलअप कर देंगे। मैंने यहाँ पे ये प्लास्टिक का चम्मच यूज किया है, मैं अभी इसे फेंक दूंगी। अब इसे हम डिब्बी में फिलअप कर देंगे और इसे ठंडा होने तक रख देंगे, ऐसे ही खुला छोड़ देंगे, ये सूख जाएगी। तो यहाँ पे गोरी नाइट क्रीम एवोकाडो बन के रेडी है रीपैकेजिंग होके। तो इसी तरह से इसे बनाया जाता है। इंडिया के FDA यानी कि फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे बैन कर रखा है, इसे ना यूज करें अपने और अपने बच्चों की हेल्थ के साथ ना ही खिलवाड़ करें। तो इसे मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से इसे अप्लाई किया जाता है। पहले ये गोरी नाइट क्रीम थी, फिर इसे डबल बॉयलर में पिघाला गया, फिर इसे इस तरह की डिब्बियों में पैक किया गया और इसे एवोकाडो करके बेचा जा रहा है। कुछ इस तरह की ही पैकेजिंग होती है, अगर आप इसे यूज़ करते हो तो आपको पता ही होगा।